प्यारे बच्चों, आज हम किंगडम एनिमेलिया के बारे में जानेंगे। किंगडम एनिमेलिया के विषय में हम लोगों को क्या जानना है? तो देखिए प्यारे बच्चों, हम किंगडम एनिमेलिया में हैं और किंगडम एनिमेलिया का है ना आपको दो भागों में बांट दिया गया है। एक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, दो सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल में जो है आपका एक ही जीव आता है जो पोरीफेरा होता है, और पोरीफेरा में जो है स्पंज को रखा गया है, यू स्पंजिया को रखा गया है। दूसरा है आपका बच्चों टिश्यू। टिश्यू को ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम, टिश्यू को दो है ना, टिश्यू ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है प्यारे बच्चों, और एक है रेडिकल, दूसरा है बाइलेटरल। देखिए बच्चों, जो आपका पोरीफेरा है वह एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल जीव ऐसे कहते हैं जिनके सेंटर से रेखा गुजारने के बाद टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है। और दूसरी बात है बच्चों रेडिकल। रेडिकल जो है से आपको जो है सेंटर भाग से गुजारने के बाद दो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाता है, उसे हम रेडिकल कहते हैं। और बाइलेटरल होता है कि सेंटर भाग से रेखा गुजारने के बाद आपको जो है लेफ्ट और राइट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसे बाइलेटरल कहते हैं बच्चों, है ना। तो रेडियल के अंतर्गत आपको आता है कौन कौन आता है? तो रेडियल के अंतर्गत आपको दो आता है। पहला रेडियल के अंतर्गत आता है सिलेंट्रेटा और दूसरा आता है टेनोफोरा। तो सिलेंट्रेटा टीनोफोरा आपको फाइलम है। सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है बच्चों, सिलेंट्रेटा में आता है आपको कौन? फाइसेलिया आता है, गुर्गोनिया आता है, मिंड्रिना आता है, ये सब आपको सिलेंट्रेटा में आता है। टीनोफोरा तो प्लांटेल मेंथेज प्लू ब्रे है ना, प्लू रेबिया, ये आपका आता है टीनोफोरा में। अब बाइलेटरल को जो है बच्चों दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक है विथाउट बॉडी कैविटी एंड ए क्लोमैट्स। ए क्लोमैट्स में आपको आता है ना प्लांटिहेलमिंथीज, प्लांटिहेलमिंथीज एक ही आता है, प्लांटिहेलमिंथीज यानी अगुहीय प्राणी। प्लांटिहेलमिंथीज में जो है से आपको टीनोफोरा में टीनो प्लाना आता है, प्लांटिहेलमिंथीज हुआ। ये दूसरा है, इसका डिवाइड गया है कि विथ फॉल्स क्लोम है ना, फॉल्स रहेगा यानी पेसुडोक्लोममैट्स होते हैं इसके अंतर्गत, यानी कुटगुहीय प्राणी होते हैं। और इसके अंतर्गत एक ही एस्केल्मिन्थीज को रखा गया है, और एस्केल्मिन्थीज में प्यारे बच्चों, एस्केल्मिन्थीज में आता है एस्केरेसिया आता है, वुचेरिया आता है, ये सभी एस्केल्मिन्थीज में आते हैं। दूसरा है विथ ट्रू क्लोम यानी क्लोमैट्स के अंतर्गत आपको कौन कौन आते हैं? एनेलिडा आता है, अर्थोपोडा आता है आपको बच्चों, मोलास्का आता है, काइनोडर्मेटा आता है, हेमिकॉर्डेटा आता है, कॉर्डेटा है। एनेलिडा में आप बच्चों जानते हैं अर्थवर्म, नेरिश और एक है ना अर्थवर्म को रखा गया, इसी में नेरिस को रखा गया है, और एक जो है से लीच को रखा गया है बच्चों। अर्थोपोडा में जो है से आपको ग्रास हॉपर को रखा गया है, बी को हनी बी को रखा गया है, इसके अदर भी जो है स्कॉर्पियन को भी रखा गया। मोलास्का में बच्चों है ना स्नेल को रखा गया है, आपको ऑक्टोपस को रखा गया मोलास्का में बच्चों, एकाइनोडर्मेटा, इसी तरह से हैवी कॉर्डेटा है ना और कॉर्डेटा है बच्चों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।